करने जा रहे हैं अपने क्लास फोर्थ के ईवीएस से, जो कि है चैप्टर नंबर 8, रीचिंग ग्रैंड मदर्स हाउस। तो इस वीडियो में हम टू टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। पहला जो हम लोग का टॉपिक है वो है उमाना रीच्ड कोटायम, और हम लोग का जो दूसरा टॉपिक है वो है बस जर्नी। तो हम लोग का जो पहला टॉपिक है उमाना रीच्ड कोटायम, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो उमाना बोल रही है, आफ्टर आवर लॉन्ग ट्रेन जर्नी वी रीच्ड कोटायम इन द नाइट। बोल रही है कि इतने ट्रेन इतने लंबे जर्नी के बाद हम लोग कहाँ पहुंच गए, हम लोग कोटायम पहुंच गए रात में। वलियम्मा'स हाउस वॉज नॉट फार फ्रॉम द स्टेशन एंड वी हैड टू टेक टू ऑटो रिक्शा टू गेट देयर। वो बोल रही है जो वलियम्मा का घर था, यानी जो मासी का घर था, वो स्टेशन से ज्यादा दूर नहीं था, और हमें दो रिक्शा लेने पड़े वहां पहुंचने के लिए। By then, I was very sleepy and did not even wait to eat anything. वो बोल रही है उमाना कि इतने लंबे जर्नी के बाद वो थक गई होगी, तो वो बोल रही है मुझे नींद आ रहा था और मुझे खाने का भी मन नहीं कर रहा था। फिर बोल रही है उमाना, आई टुक अ बाथ एंड स्लेप्ट। मैं नहाई, उसके बाद फिर मैं सो गई। आई थॉट आई हैड जस्ट फॉलन अस्लीप व्हेन अम्मा वॉक अप मी अगेन। वो बोल रही है कि मैं अभी अभी सोई थी और मुझे अम्मा ने उठा दिया। क्यों? क्योंकि वो बहुत थक गई थी, और वो जब सोई तभी उसकी अम्मा ने नहीं उठाया था, उसकी अम्मा ने तभी उठाया था जब सुबह हो गया था तब। अब हम लोग का जो दूसरा टॉपिक है बस जर्नी, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो उमाना बोल रही है, वी गेट रेडी टुक आवर लगेज एंड वेंट टू द बस स्टैंड। हम तैयार हुए और अपने लगेज लिए, यानी सामान लिए, और बस स्टैंड पे चले गए। बस स्टैंड क्या होता है? बस स्टैंड वो होता है जहाँ पे बस आती है और हम चढ़ के जाते हैं, जहाँ पे बस रहती है। फिर बोल रही है उमाना, वलियम्मा'स फैमिली आल्सो कम विद अस। हम लोग के साथ कौन आ रहा था? जो वलियम्मा की फैमिली थी, जो मासी की फैमिली थी, वो भी आ रही थी। वी वर 10 पीपल, और टोटल कितने पीपल हो गए थे? 10 लोग हो गए थे, ठीक है। एंड हैड अ लॉट ऑफ लगेज टू, और बहुत सारा सामान भी हो गया था। द बस कंडक्टर कम एंड अप्पा बोथ टिकट्स फॉर ऑल ऑफ अस। जो बस कंडक्टर था वो आया, और जो अप्पा थे, जो पापा थे उमाना के, उन्होंने सबके लिए टिकट्स ले लिए, उमाना बोल रही है। अब बस कंडक्टर क्या होता है? तो बस कंडक्टर इज अ पर्सन हूज जॉब इज टू कलेक्ट फेयर्स एंड सेल टिकट्स ऑन अ बस। बस कंडक्टर एक वो पर्सन होता है, वो आदमी होता है जिनका काम क्या होता है, जिनका काम होता है किराया कलेक्ट करना, किराया लोगों से लेना और टिकट बेचना, ठीक है, बस में। फिर बोल रही हूँ माना, वी मैनेज टू गेट सीट। हम वैसे भी करके सीट ले लिए, यानी हमें सीट मिल गई। एज इट वेंट अलोंग द बस गॉट वेरी क्राउडेड, और जब थोड़ा ही देर हुआ उसके बाद क्या हुआ, बहुत ज्यादा भीड़ हो गई बस में। पीपल वर शेयरिंग द सीट्स, और लोग जो थे वो क्या कर रहे थे, वो एक दूसरे का शेयर सीट कर जो सीट था वो शेयर कर रहे थे, यानी कि जो लोग थे वो अपना सीट दूसरों को दे रहे थे, इतना ज्यादा भीड़ हो गया था। फिर उमाना बोल रही है, वी ऑल्सो हैव टू शेयर आवर सीट्स। हमें भी अपने सीट्स जो थे वो शेयर करने पड़े। After a long ride, the bus reached the last stop. I was happy to get off. उमाना बोल रही है, इतने लंबे जर्नी के बाद क्या हुआ, जो लास्ट स्टॉप था, यानी वो स्टॉप जहाँ उसके बाद जो बस है वो नहीं चल सकती आगे, तो लास्ट स्टॉप पे वो पहुंच गए, बस ने उन्हें पहुंचा दिया। और जो उमाना थी वो बोल रही है कि मैं बहुत ज्यादा खुश थी उतर के। फिर वो बोलती है,
था वो स्टीफ हो गया था, स्टीफ यानी जो कर गया था यानी दर्द कर रहा था। आई कुड हार्डली स्टैंड, वो बोल रही है मैं बहुत मुश्किल से खड़ी हुई। तो इस वीडियो में जो मैंने आपको बताया ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ ये जो हम लोग का वीडियो है ये कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।